मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे, इलास्ट्रेशन 35। देखना बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है कि उसने कोई अकाउंट बनाने को नहीं पूछा, सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी है लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो आप किस तरह से जर्नल एंट्री में आप अटेम्प्ट करोगे वो ध्यान से देखना। एम एंड जी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर कैश डेटर्स स्टॉक मशीनरी पेटेंट बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पड़ा हुआ क्या शो कर रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इज अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैपिटल के बैलेंस। एम रिटायर ऑन द अबव डेट, इस डेट पे कौन रिटायर हो गया है? एम, देखना क्या एग्रीमेंट हुआ है। डेटर्स 2000 विल बी रिटर्न ऑफ, 2 के डेटर बैड हो गए हैं, ठीक है। तो डेटर बैड होना लॉस, लॉस रिवेल्यूशन के डेबिट में। तो देखते हैं मेरे पास प्रोविज़न बना हुआ है तो ये लॉस यहाँ से कवर होगा प्रोविज़न से। एंड ए प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। 5% का आपको प्रोविज़न बनाना भी है, ये कैसे करना है मैं अभी बोर्ड पे समझाती हूँ। पेटेंट विल बी रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली, पेटेंट बिल्कुल राइट ऑफ करने हो गए हैं, होंगे मतलब ज़ीरो हो गई है इनकी वैल्यू, तो लॉस। एंड स्टॉक एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रीशिएटेड बाय 5%, ये तीनों 5% से कम हो गए हैं। An unrecorded creditor of 10,000 will be taken into account. 10,000 के creditor हैं जो पहले से record नहीं हैं, अब लेना है इन्हें account में। तो liability क्या हो रही है? Increase. Liability increase होना loss revaluation के debit में। M retirement के बाद N and G will share profit in the ratio of 2:3। New ratio given है। Goodwill of the firm on M retirement was valued 3 lakh। गुडविल आपको 3 लाख दी हुई है गुडविल की एंट्री करने के लिए। देखो पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन एम रिटायरमेंट। एम की रिटायरमेंट पे नेसेसरी एंट्री करो। तो हाउ टू अटेम्प्ट, देख कैसे अटेम्प्ट करना है ये देखना मुझे। बच्चों आपको कभी भी जनरल एंट्रीज करने को आती हैं, दैट मीन्स आपने ये सोचना है कि जब आप अकाउंट बनाते हो, देखो मैंने आपको कोई भी चीज़ रटवाई नहीं है, अकाउंट में भी चीज़ें डलती हैं, मैं पहले एंट्री बोलती हूँ फिर वहाँ डालती हूँ। तो आप सबसे पहले रिवेल्यूशन अकाउंट बनाते हो तो आप रिवेल्यूशन की, आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से पता है 3 एंट्री होती हैं, तो रिवेल्यूशन की बच्चे 3 एंट्री करनी है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिवेल्यूशन से, पहले रिवेल्यूशन की एंट्री करते हैं। सेकंड नंबर पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल, फिर मैं पार्टनर्स कैपिटल को जिस स्टेप से बनाते हैं उसके अंदर एंट्री, देखो कोई भी चीज़ डलती है कैपिटल में, एंट्री के थ्रू तो डाल रही हूँ तो अब वो एंट्री पास करनी है। थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट की कोई एंट्री ही नहीं होती क्योंकि उसमें तो बचे हुए बैलेंस आते हैं। तो देखना रिवेल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चे डेटर्स ऑफ 2000, कितने के डेटर 2000 will be written off as bad debts, इतने के debtor bad हो गए हैं, तो debtor bad होना मेरे लिए loss, ठीक है। debtor bad होना मेरे लिए क्या है? loss। debtor 2000 के bad होना मतलब debtor decrease हुए 2000 के। देखो debtor मेरी asset होती है, asset decrease हुई है तो मैं इसे revaluation के debit में डालूंगी। लेकिन आपको पता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड बैलेंस शीट में जो होता है वो एक तरह से रिजर्व फॉर बैड डेट्स होता है, मतलब जिन डेटर के बैड होने के चांसेस होती हैं उनके लिए पैसे अरेंजमेंट की गई है कि अगर कोई लॉस होगा तो वो वहाँ से कवर किया जाएगा। तो आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविज़न है, डेबिट में लेस किया हुआ है तो वो क्रेडिट में ही होता है, मतलब डेबिट में से लेस होना क्रेडिट ही है, तो वो प्रोविज़न क्रेडिट में ही है। तो आप बताओ कितना प्रोविज़न है आपके पास? 5। तो वो आप लॉस के लिए यूज़ कर रहे हो तो प्रोविज़न क्रेडिट है, इस लॉस के लिए यूज़ करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। तो बताओ मैंने कितना प्रोविज़न यूज़ कर लिया? 2, क्योंकि 2 का लॉस हुआ ये।
डेटर इज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, ये नरेशन होगी कि डेटर बैड हुए। अब मुझे बताओ आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन कितना है ओल्ड बैलेंस शीट में, 5, आपने 2 लॉस के लिए यूज कर लिया, तो बाकी प्रोविजन कितना बचा हुआ है, 3। अब ध्यान रखना है इतना प्रोविजन ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। अब वो आपको नेक्स्ट लाइन बोल रहा है, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। डेटर पे कितना प्रोविजन मेंटेन करना है आपको, 5%। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, आपके पास डेटर है 45, इसके ऊपर अभी अभी 2 के बैड हुए हैं, तो बताओ डेटर कितने बचे, जो ये बैड डेट्स है मतलब कंफर्म बैड है, तो अब बताओ हमें डाउट कितने पे है, 43। तो डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविजन बनेगा वो 43 पे बनेगा, कितने परसेंट कह रहा है, 5%, तो 43 पर 5%, 2150 का, कितने का, 2150 का, इतने से प्रोविजन बनाना है। लेकिन अब मेरी बात को तो कह रहा है इतना मेंटेन करना है। अब चेक करो ऑलरेडी आपके पास बैलेंस शीट में 3000 प्रोविजन है, और अब कह रहा है इस पे इतने परसेंट होना चाहिए, मतलब 2150 होना चाहिए, तो इसका मतलब आपके पास तो उल्टा बैलेंस शीट में 3000 प्रोविजन है, आपके पास मेंटेन रखना है 2150, तो इसका मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में फालतू प्रोविजन है, तो बताओ कितना फालतू प्रोविजन है, इतना मेंटेन करना है 2150, तो बताओ प्रोविजन कितना है एक्स्ट्रा बैलेंस शीट में, 850। तो मुझे इस बार प्रोविजन बनाना नहीं है, उल्टा ऑलरेडी प्रोविजन जो बना हुआ है उसमें से कम करना है, कितना, 850। और प्रोविजन कम होना मेरे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो प्रोविजन है उसको कम करोगे तो डेटर बढ़ जाएंगे, तो आप अपने प्रोविजन को 3000 से कम कर रहे हो। प्रोविजन बनाना और बढ़ना दोनों लॉस है, लेकिन प्रोविजन कम होना ये मेरे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि प्रोविजन डेटर को कम करता है, जैसे ही मैं प्रोविजन कम करूंगी डेटर बढ़ जाएंगे, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है, तो इस टाइम प्रोविजन को 850 से कम करना है। ठीक है, तो प्रोविजन कम होना मेरे लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट रिवेल्यूशन के क्रेडिट में, तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से प्रोविजन कम करना है, क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज पे डेबिट, और ये प्रॉफिट है इसलिए रिवेल्यूशन के क्रेडिट में। देखो सिंपल स्टेप से मैंने दो उसमें बताया है कि बुक में उसने किसी भी एंट्री से किया होता, तो एक सिंपल स्टेप से आपको ये चीज़ मैंने बता दी क्या है। ठीक है, तो दो एंट्री, एक बार बैड की और एक इस तरह से, ये दो क्लियर। प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिवेल्यूशन में जाते हैं, देखना यहाँ रिवेल्यूशन नरेशन लिखते जाना। वैसे रिवेल्यूशन की 3 एंट्री होती है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा एंट्री हो रही है क्योंकि इनका कुछ हमें कम ज़्यादा करना था। आगे चेक करना, पेटेंट विल बी रिटर्न ऑफ, पेटेंट को बिल्कुल ख़त्म करना है, तो बताओ पेटेंट की वैल्यू कम होना लॉस, लॉस रिवेल्यूशन के डेबिट में, तो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। चेक करो अंदर पेटेंट्स मेरे पास कितने की है, 30, तो ये मेरे पास इतना। अब हम दो ही एंट्री करेंगे, एक लॉस की और एक प्रॉफिट की, इस रिवेल्यूशन को ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट, एंड स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो स्टॉक बताओ अंदर कितने का है, स्टॉक अंदर है 50 का, स्टॉक अंदर है 50 का, तो ये 5% से रिड्यूस हुआ है, 5% दैट मीन्स 25 रिड्यूस हुआ है, तो एंट्री होगी रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 25। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज़ रिड्यूस हुई है स्टॉक के बाद, मशीनरी, मशीनरी अंदर मेरे पास क्वेश्चन में देखो 150 है, 150 का 5% 75, तो मशीनरी रिड्यूस हुई है, तो मशीनरी की वैल्यू कम होना लॉस, लॉस रिवेल्यूशन के डेबिट में, तो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 75। नेक्स्ट, उसके बाद बिल्डिंग विल बी डेप्रीशिएटेड, बिल्डिंग भी डेप्रीशिएट हुई है, बिल्डिंग 1 लाख की है, 1 लाख का 5% 5000, ये भी कम हुई है, तो एंट्री होगी रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 5000। ठीक है, ये हो गई।
उसके बाद नेक्स्ट देखना एन अनरिकॉर्डेड, ए अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000, एक क्रेडिटर है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, नाउ टू बी टेकन इन टू अकाउंट, अब इन्हें अकाउंट में लेना है, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो टू क्रेडिटर 10,000 से लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो अब उसके बाद बच्चे रिवैल्यूएशन खत्म ही है, बस खत्म, आगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गुडविल की एंट्री है, बस मेरी ख्याल से रिवैल्यूएशन हो गया, यस हो गया, ठीक है, आपको पता है और नहीं है तो मुझे बताओ, रिवैल्यूएशन ये डेबिट है, ये आपका टोटल लॉस आ जाएगा 55 है, इसका टोटल करोगे ये टोटल है 55,000, ठीक है, ये हो गया, आप बताओ रिवैल्यूएशन डेबिट लॉस और क्रेडिट सिर्फ इतना हुआ है, जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट ज़्यादा होता है या डेबिट, डेबिट ज़्यादा है तो लॉस होगा, तो 55 लॉस है, 850 का प्रॉफिट है, $54,150 इतने का लॉस हुआ है, क्योंकि लॉस मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट ज़्यादा था, लॉस ज़्यादा था, ठीक है, तो हमारे को लॉस हो रहा है, इस लॉस को कौन बांटेंगे, ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशो, ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री करो फॉर जनरल के फॉर्मेट में करनी है, सीक्वेंस में, पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री, फिर उसके रिवॉल्यूशन की एक लॉस की, एक प्रॉफिट की, ये तो एक एक्स्ट्रा एंट्री हो गई थी, एक प्रॉफिट की, एक लॉस की, इनका डिफरेंस निकाल के इनके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करो, तो पार्टनर है एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन से अकाउंट का लॉस है, रिवॉल्यूशन 54,000, कितना निकालता मैंने 154,150, ओल्ड रेशियो है 5:3:2, तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 5:3:2 ओल्ड रेशियो है, ठीक है, ये तो कर लोगे, रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना, लिख देना लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ये तो मैंने रिवेल्यूशन अकाउंट जब बनाते हैं उसके लिए जो चीज़ आनी चाहिए उसकी एंट्री लाइन से पास करती गई। सेकंड नंबर पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने का मैंने जो स्टेप बताया है उसके अकॉर्डिंग एंट्री करते जाओ, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, सेकेंड नंबर पर ट्रांसफ़र होता है रिवेल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस, वो एंट्री मैं कर चुकी हूँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर हम देखते हैं बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं है, यस देखो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो रिटायरिंग पार्टनर के जाने से पहले इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री तो आपको आती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल टू जीस कैपिटल 30, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है, ओल्ड 5:3:2, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेना 5:15:9:6 ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। नेक्स्ट अब बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखते हैं, बैलेंस शीट के डेबिट साइड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस और एक ओल्ड गुडविल, चेक करो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, यस ठीक है, तो इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कैपिटल डिक्रीज होगी, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है 25, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 5:3:2, तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 12,500 5/10 के अकॉर्डिंग, ठीक है 75 5:3:2 ये डिस्ट्रीब्यूट, नरेशन लिख देना बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ये हो गई। उसके बाद क्रेडिट और डेबिट में देखने के बाद देखते हैं किसी ने कोई असेट तो नहीं ली, मैंने पूरा सम स्टार्टिंग में पढ़ती हूँ, पता है नहीं ली, लास्ट में कैपिटल अकाउंट में डलती है एक गुडविल की एंट्री, वो एंट्री डालो, ठीक है, बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख,
किसी पार्टनर को हम पूरे फर्म की नहीं देते, 5:3:2 MNG रिटायर हो रहा है M, तो M को तो गुडविल की अमाउंट मिलेगी 5/10 150। तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी हमारी 7th एंट्री, क्या M को गुडविल की अमाउंट मिलेगी? जनरल का फॉर्मेट बना के करनी है और ये नंबर नहीं देने, तो मैं एक स्टेप बता रही हूँ आपको करने का कि हाउ टू अटेम्प्ट, कि करते कैसे हम किसी सम को। तो इसे 150 गुडविल मिलेगी, देंगे कौन? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग कौन है? N और G। किस रेशो में देंगे? गेनिंग। तो आपके पास ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो क्वेश्चन में 2:3 दी हुई है, तो न्यू में से ओल्ड माइनस करके गेनिंग रेशो निकालना खुद, एक एक चीज़ नहीं, आपको पता है न्यू में से ओल्ड माइनस करके गेनिंग रेशो निकलती है। तो गेनिंग रेशो आ रही है इस टाइम 1:4 गेनिंग रेशो आ रही है, तो उसमें ये एंट्री करूँगी, ठीक है। तो 150 को ये 1:4 डेट मीन्स 1/5, एक जना 30 देगा, एक जना 120, ये होगी गुडविल की एंट्री। तो ये कर लेना अमाउंट, ये हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री की, आप नरेशन लिख सकते हो एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल, या ये लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में लास्ट एंट्री ये डलती है। उसके बाद अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में लास्ट एंट्री करने के बाद बैलेंस लिखते निकलते थे, बैलेंस निकालने की कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि बैलेंस तो सीधा बैलेंस शीट में आते हैं। लेकिन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको कहा है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस नहीं आना चाहिए। जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस जितना भी आता है, या तो आप उसको कैश पे करोगे, क्वेश्चन में कैश पेमेंट के लिए नहीं कहता तो लोन में ट्रांसफ़र करोगे। तो आपको पता है लास्ट एंट्री होती है कि रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस या तो टू कैश करके पे करोगे या लोन में ट्रांसफ़र करोगे। तो आप कहोगे हमें क्या पता मैम, अब इस टाइम तो कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं है, तो हमें क्या पता कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना पे करना है। तो ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में एंट्री पूछी है, सारी एंट्री तो हो जाएंगी बिना अकाउंट बनाए, क्वेश्चन में उसने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, एंट्री करो। लेकिन आपको पता है लास्ट एंट्री करने के लिए कि रिटायरिंग पार्टनर को मुझे उसकी रिटायरमेंट पे कितना पैसा देना है, उसकी एंट्री करने के लिए मुझे रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो लास्ट एंट्री लोन में ट्रांसफ़र करने के लिए, कैश की करने के लिए, क्योंकि वैसे तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हमें रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस मिलता है, हम डाल देते हैं, लेकिन अब कहाँ से लाऊं बैलेंस? तो मुझे वर्किंग नोट में रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, सिर्फ सबका नहीं, सिर्फ रिटायरिंग का, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, क्योंकि बाकियों के तो बैलेंस निकालने, बैलेंस निकालने की कोई एंट्री नहीं होती, तो लेकिन सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस आता है हम उसका बैलेंस आगे नहीं लाते, या तो कैश पे करते हैं लोन में, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ लास्ट एंट्री करने के लिए वर्किंग नोट में रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही वर्किंग नोट में आपको बनाना पड़ेगा। किसी भी कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उसका बैलेंस लिखते हैं, तो मैं सिर्फ एम का बना रही हूँ, तो एम का बैलेंस लिखूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो एम का बैलेंस है बच्चे 150। अब लाइन से एंट्री में चेक करते रहो, बताओ फर्स्ट एंट्री में आपने एम को कुछ दिया? नो। सेकेंड में भी नहीं, थर्ड में भी एम नहीं है, नेक्स्ट में एम के डेबिट में, ठीक है, एम के डेबिट में आपने रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर किया है, एंट्री का अपोजिट टू रिवैल्यूएशन, एंट्री से ही फटाफट कर दो। उसके बाद जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया है, एम को दिया है 15, तो एम के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में एम डेबिट हुआ है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो एम के डेबिट में 12,500, एंट्री का अपोजिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद लास्ट में आपने गुडविल की एंट्री की है, एम को बताओ गुडविल कितनी दी है, 150, तो एम के क्रेडिट में अगर मैंने 150 लिख दिया तो एंट्री के अपोजिट में तो दो नाम है, तो आप एम को गुडविल 150 दो, लेकिन कैसे करके दो, 30 और 120 करके, बाय एंस कैपिटल
बाय जीज कैपिटल, इस तरह से दे, ठीक है। इस तरह से आपने गुडविल की अमाउंट देनी है। उसके बाद बस सारी एंट्री डाल ली, उसके बाद आप इस एम का कैपिटल अकाउंट क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो क्लोज करो, यही वाला साइड ही ज्यादा है, ये वाला साइड ज्यादा है, तो 3,15,000 इतना ही टोटल यहां लिखो, 315 में से इतना ऊपर का पोर्शन माइनस कर दो, ये आ जाएगा 2,75,425। तो आपको पता है ये जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस है जो कैपिटल अकाउंट से निकलता है, या तो हम ये बैलेंस उसको कैश पे करते हैं, और कैश पे की तो एंट्री होगी, तो लास्ट एंट्री तो करनी थी, और कैसे करूँ इसके लिए मुझे ये बैलेंस चाहिए था, इसीलिए रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना है। तो एंट्री के केस में भी मुझे लास्ट एंट्री करने के लिए रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा, क्योंकि बाकियों के तो बैलेंस निकलने हैं, बैलेंस की एंट्री नहीं होती, वो तो टू बैलेंस कैरेट ऑन, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर को तो मुझे कैश देना है ना, और कैश देने के लिए क्लियर कहता है तो देना है। तो आप बताओ रिटायरिंग पार्टनर को कैश देने के लिए कहीं कहा है? नो। तो इसका ये पूरा बैलेंस लोन में ट्रांसफर कर दोगे, तो बताओ ये कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, ये मत कहना डेबिट है, जो साइड ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर मैं इसका बैलेंस निकालती तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आता बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जिस साइड ब्रॉड डाउन होता है किसी भी चीज़ का वही बैलेंस होता है। तो ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो एंट्री होगी लास्ट, लास्ट एंट्री ख़त्म करने के लिए डेबिट, तो ये जो एम का बैलेंस है ये मैंने ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दिया, ख़त्म करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र होगा लोन अकाउंट में, कहाँ ट्रांसफ़र होगा? लोन अकाउंट में, बुक में उसने एग्जीक्यूटर लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र नहीं होगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, सही कर लेना बुक में वो चीज़। तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन, इसका मतलब ये हमने इसको कैश नहीं दिया, इसको अब लोन में क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? क्योंकि आज की डेट के बाद ये एम का जो पैसा है, एम का बैलेंस आगे नहीं आना चाहिए, तो ये बिजनेस का पार्टनर नहीं है, तो पार्टनर नहीं है तो कैपिटल का बैलेंस तो ख़त्म होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ख़त्म करने के लिए डेबिट, आज की डेट के बाद इसका जो पैसा है ये बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटी है, तो इसलिए लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, कि आज की डेट के बाद पैसा जो एम का पैसा है वो बिजनेस के लिए लोन है, ये वापस करना है। जब तक बिजनेस वापस नहीं करेगा इसके ऊपर लोन पे इंटरेस्ट देगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट गिवन नहीं होती तो 6% की रेट से। तो इस लास्ट एंट्री को करने के लिए मुझे ये बैलेंस चाहिए था, जिसकी वजह से रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा। तो एंट्री के केस में आपको रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा लास्ट एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो मेरी ख्याल से हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये थी ये बनाया था एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखोगे? एम्स लोन, बुक में उसने एग्जीक्यूटर लिखा हुआ, एग्जीक्यूटर नहीं लिखना, एग्जीक्यूटर डेथ के केस में लिखते हैं, पहले नहीं लिखते, ठीक है। तो ये सम सॉल्व हो गया आपकी इलास्ट्रेशन 35।